सरकार द्वारा योजना प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं। पहला है क्या, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 1 फरवरी 2019 को। कौन कहते हैं, तो पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया था 1 फरवरी 2019 को। तो इसमें क्या था, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाएगा। 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाएगा सभी किसानों को देश के। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसान के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। मतलब कितना, 2,000 का 3 समान किस्त में, यानी 3 समान किस्त में तीन तीन चार चार महीना का हो जाएगा। तो बाद साल में 4 में 3 को किस्त पड़ेगा, चार चार महीना का, चार चार महीना पर मतलब 2,000 का, तो 2 4 4 4 8 4 12, 4 महीना होगा तो 2,000 4 माह में, फिर अगला 4 माह में 2,000, फिर अगला 4 माह में, यानी 4 4 8 4 12, 3 किस्त, 2 2 2 2,000 का टोटल 1 साल। अल्लाह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ कब गया, तो 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन थे, तो 80 से 14 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये उससे कम है, उस उनके लिए यह था कि 18 से 14 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है या उससे कम है, 15,000 या उससे कम। लाभ के अंदर 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये का मासिक पेंशन हो जाएगा। यह था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। इसमें क्या था, 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। इसमें योजना के पात्र कौन कौन थे, एलिजिबिलिटी थे, तो 18 से 14 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है उनके लिए। अगला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 10 सितंबर 2020 को किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित था। इसे 2020-21 और 2025-25 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश है। तो ये था इसके कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं।